हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूट्यूब अब अपने फीचर में एक और नया फीचर ऐड करने जा रहा है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर बताइए कमेंट करके कि आपको ये फीचर कैसा लगा अगर यूट्यूब ऐड करता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम बताएँ कि वो फीचर क्या है, उससे पहले दो छोटे छोटे अपडेट है, मोनेटाइजेशन को लेकर और एक लाइक अपडेट है, तो ये आप जान लीजिए। देखिए, मोनेटाइजेशन का अपडेट ये किया है यूट्यूब ने कि पहले ये होता था कि जब आप चैनल रिव्यू में भेजते थे तो आपके वीडियो जो प्राइवेट होते थे और पब्लिक होते थे उन दोनों का वॉच टाइम ऐड कर लिया जाता था, यूट्यूब ऐड कर लेता था, और जो आपने डिलीट कर दिए उनका तो खैर नहीं होता था, लेकिन जो प्राइवेट और अनलिस्टेड होते थे तो उन दोनों का वॉच टाइम ऐड हो जाता था। लेकिन अब यूट्यूब ये करेगा फ्रेंड्स कि अब जो है केवल उन्हीं वीडियो का वॉच टाइम आपके वॉच टाइम में जोड़ा जाएगा जो वीडियो आपने पब्लिक किए हुए हैं, यानी कि जो वीडियो आपने सार्वजनिक किए हैं, जो आपने प्राइवेट कर रखे हैं उन वीडियो का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा, वो जो है वॉच टाइम उनका काउंट नहीं करेगा यूट्यूब। दूसरा अपडेट एक ये है फ्रेंड्स कि आप जिसके वीडियो में देखते थे अगर उसे लाइक करते थे तो अगर कोई चाहता था तो आपके वो वीडियो प्लेलिस्ट में जो है देख सकता था कि आपने किन किन वीडियोस को किन के वीडियोस को लाइक करके रखे हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब यूट्यूब ने कर दिया है कि आप जो के वीडियो हमेशा प्राइवेट रहेंगे, यानी कि आपने जिनको लाइक किया है वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, कोई दूसरा उन वीडियोज़ को नहीं देख सकता। तो ये दो अपडेट हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि यूट्यूब का एक नया फीचर ऐड करने जा रहा है जो कि यूट्यूब ने बताया है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, वो फीचर की बात करें तो मुझे तो वाकई में वो फीचर बहुत अच्छा लगा अगर यूट्यूब करता है तो, वो है यूट्यूब का रीपोस्ट वीडियो। अब देखिए कैसे आपकी हेल्प करेगा, क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। रीपोस्ट वीडियो यूट्यूब का एक नया प्रोग्राम होगा, एक नया टैब होगा या कोई अलग से फीचर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो उसमें जो क्रिएटर्स के पुराने वीडियो, हम मान लीजिए किसी ने नया चैनल स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में किसी के व्यूज़ नहीं आते हैं और पुरानी वीडियो पड़ी रहे तो वहाँ पर उस वीडियो पर व्यूज़ नहीं है, अब उस वीडियो को दोबारा पोस्ट करें। तो देखिए, वैसे तो आप जिसके पास कम्युनिटी है तो वो थंबनेल अपना पोस्ट कर सकता है, स्टोरी में डाल सकता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब रीपोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा तो जब आप उस वीडियो को दोबारा रीपोस्ट करेंगे तो जो आपके सब्सक्राइबर्स को, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगी और वो वीडियो आपको देख पाएंगे, आप आपका वो वीडियो देखेंगे जिससे कि आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। अब कम्युनिटी में ये होता है कि मान लीजिए आपने अपना थंबनेल पोस्ट कर दिया, स्टोरी में डाल दिया, लेकिन वहाँ पर नोटिफिकेशन किसी सब्सक्राइबर्स को नहीं मिलती है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अगर यूट्यूब करता है तो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, नया फीचर अगर जोड़ता है। हालाँकि यूट्यूब ने कहा है हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020 में इसे ट्राई करें, तो यूट्यूब ने अभी इस पर कोई घोषणा नहीं की है कि वो करेगा ही या नहीं करेगा, लेकिन एक यूट्यूब ने अपनी इच्छा जाहिर की है। अगर करेगा तो स्टार्टिंग में कुछ चैनल्स को शुरुआत में देगा, जैसा कि यूट्यूब हमेशा से करता रहा, कोई भी जैसे स्टोरी टैब देना शुरू किया, ज्वाइन बटन देना शुरू किया, कम्युनिटी टैब, तो स्टार्ट जब किया तो शुरुआत में कुछ चैनल को देता था, बाद में अब ये सभी को मिलने लगा। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा अपडेट है ये, अगर होता है तो वाकई में क्रिएटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि जो उनकी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं उन पर व्यूज़ नहीं हैं, कम हैं, दोबारा उन्हें पोस्ट करना चाहते हैं तो आप उन पर ज़्यादा व्यूज़ ला के ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।